सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुख भी बहुत है, परेशानियाँ भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियाँ भी बहुत है। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, मगर डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2020, दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि, सुबह 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 8:51 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:44 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। तुला राशि 2 अक्टूबर 2020, दिन शुक्रवार, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यालय पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। समाज तथा परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप एक श्रेष्ठ अभिभावक भी साबित होंगे। किसी धार्मिक संस्था के प्रति भी सेवा संबंधित आपका योगदान रहेगा। विदेश यात्रा का आपका सपना जल्दी पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा से जुड़ी कोई प्रगति की खबर आज आपको शाम तक मिल सकती है। परिवार के प्रति अधिक भावुक रहना आपका काम से मन विचलित करा सकता है। पारिवारिक सदस्यों के भविष्य से जुड़ी चिंता आपको सता सकती है। अपने अनुभव का और मिले हुए अधिकारों का उचित उपयोग करना सीखें। विदेश से जुड़े व्यापार में आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। आज पार्टनर एक दूसरे को भावित भावनिक रूप से समाधान दे सकते हैं। किसी बहुत निकट के व्यक्ति का अच्छा सहयोग मिल सकता है। करियर संबंधित विशिष्ट गतिविधि हो सकती है। तनाव रह सकता है। सावधानियाँ, धन संबंधित निवेश में किसी प्रकार की कोई गलती हो सकती है। किसी को पैसा उधार ना दे क्योंकि रुक रुक कर वापस मिलने की संभावना है। किसी पड़ोसी द्वारा घर में कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सचेत रहें। लव लाइफ की बात करते हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए लेकिन अपने सर से ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। पारिवारिक जनों का आपस में स्नेह बना रहेगा तथा हास परिहास और मनोरंजन में खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। करियर की बात करते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में अभी काम की नीतियों में बदलाव लाने की और अधिक आवश्यकता है। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों का अधिक से अधिक विस्तार करें। परिवार में अभी किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें।
या धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखें कि एकता में बल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। सेहत की बात करते हैं, आपको यह समझना होगा कि आपको स्वस्थ रिश्ते और युवा दिखने जंक फूड से दूरी बनानी होगी। आप पिछले कुछ दिनों से सामान्य से भी अधिक जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। आपको तुरंत खुद पर नियंत्रण करना होगा। आज ही अपने मेन्यू से जंक फूड हटा दें। इसके स्थान पर खूब फाइबर युक्त खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।